आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम करने वाला है। अभी टाइम हुआ है 1:15, तो बस अभी व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार पहले मैं उठा था 9 बजे या 8:30 बजे उठा था, तो यार बस ना चाय वगैरह पी और दोस्तों के साथ गया बाहर, तो मोबाइल का चार्ज नहीं था तो वो मैंने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया, तो अभी बस चार्ज हो गया है। तो अभी बस ये लेके आया था, कौन खाएगा, जो खाएगा वो कमेंट करे, उसको घर डिलीवर किए जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये हैं, आपको अगर कोई खाना चाहे तो कमेंट करे। और अभी बस अंदर रूम में जा रहा हूँ, रूम की लाइटें ऑफ है तो लाइट चला लेता हूँ। तो बस ये ज़ोएब लेके आया था, आ रहा है। चाय दे दो हमको, हम मवालियों को चाय दे दो, चाय दे दो भाई साहब, चाय चाय दो भाई साहब, फालसे 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 10 रुपए में किलो, फालसे फालसे, जो लेना चाहे वो कमेंट करे, फालसे फालसे 10 रुपए में किलो। तो यार अभी मैं ये टेबलेट लेके आया हूँ, बहुत दर्द है इस कान में यार, मतलब लेफ्ट वाले कान में यार बहुत दर्द है, कसम से मर गए, इससे मर जाना बेहतर है, जितना मुझे दर्द है ना उससे मर जाना बेहतर है। एक ये टेबलेट और एक ये, तो बस गाड़ी सर्विस का मूड बना है, तो अभी चाय भी पी रहे हैं और साथ ही साथ में गाड़ी सर्विस भी कर रहे हैं। तो ज़ोएब और मैं काम पर लगे हुए हैं, शाबाश शाबाश, सर्विस करो सर्विस करो, शाबाश। ऐसे आज मुझे सीढ़ी से over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. अभी फिलहाल मैं इन गाड़ियों को लस्टर लगाऊंगा सबसे पहले। गाइस अभी हमें करीब घंटा हो गया है, 1.5 घंटा तो गाड़ियों में ही बिजी हैं, सर्विस करते करते, सर्विस के बाद साफ़ भी होती है, साफ़ करते करते। तो अभी भी ज़ोएब साफ़ कर रहा है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी फिनिश करके आया हूँ। ज़ोएब ने सीढ़ी ली थी, ज़ोएब ने कहा मैं सीढ़ी को साफ़ करूँगा सर्विस भी, और वो जब सर्विस के टाइम टायर धोना मैंने जिम्मेदारी ली थी दोनों गाड़ियों की, और ज़ोएब ने बॉडी दोनों गाड़ियों की बॉडी जिम्मेदारी ली थी, तो सही है। तो उसके बाद ब्लैक जो मेरा एरोप्लेन है उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, और उस रेड सीडी उसकी ज़ोएब ने जिम्मेदारी ली थी। तो अभी बस देखते हैं अभी ज़ोएब क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ आया था 2 मिनट रेस्ट करने, तो बस ऐसे ही रेस्ट करने, अब रेस्ट हो गई है तो अभी ज़ोएब का हाल दिखाता हूँ। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. तो भाई साहब मैंने गाड़ी सर्विस करने के बाद नहा लिया है, तो अभी बस ज़ोएब के साथ जाऊंगा म्यूजियम तक, और ज़ोएब अभी बस फूड पांडा वाला जो बॉक्स होता है वो अभी गाड़ी में फिट कर रहा है। तो
मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फुटपंडा वाला बॉक्स फिट करते हैं गाड़ी में। एक मिनट। तो आज अबू घर में नहीं है, तो जोहेब जाएगा CD70 पर फुटपांडा डिलीवर करने। तो ये देखो, अभी बस गाड़ी को भी नहा धो के तैयार कर दिया है अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं यार विराट कॉलोनी आया था, इस वजह से आया था कि उधर उसी घर में जहाँ हमने वो मलबा नहीं डाला था उसी घर में आया हूँ। तो मैं इस वजह से आया था कि मेरी कज़न ने ना, छोटी कज़न ने कॉल की कि आओ आओ, बस वो बता नहीं रही थी कॉल पे, आओ आओ आओ। तो बस मैं अभी आ गया हूँ। तो असल में बात ये थी कि मेरे मामू का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इस रिक्शा से, इससे। तो बस वो उधर कॉल पे इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि जो मेरा छोटा कज़न है ना, वो बहुत प्यार करता है अपने अबू से, यानी कि मेरे मामू से, तो इसलिए वो कॉल पे नहीं बता रहे थे। तो बस अभी मामू आ गया है, चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया था यार। गाइस, अभी मैं आपको सही से बात बता रहा हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं था। असल में मसला ये था कि मेरे मामू के आगे जो गाड़ी थी ना करोला, उसने ऐसे जाम के ब्रेक लगाए। जब उसने ब्रेक लगाया ना, तो मेरे मामू ने भी एक ब्रेक लगाया। तो रिक्शा का ब्रेक तो पंप का लगता है, आपको पता है। तो जब एक ब्रेक लगाया ना मामू ने, तो बस जब दूसरा लगाया तो रिक्शा के ब्रेक फेल हो गए, समझ के बात। तो ऐसे जो गाड़ी, मेरे मामू ने गाड़ी वाले को बचाया, ऐसे राइट एंड की तरफ गाड़ी कर ली। तो राइट एंड की तरफ पराडो नहीं है, लैंड क्रूजर V8, तो वो आया। तो मेरे मामू की जो लेफ्ट साइड थी वो इस करोला वाले में घसट गई, और जो राइट साइड थी वो V8 में, लैंड क्रूजर V8 में घस गई। तो क्या हुआ ना कि V8 वाले बहुत भले आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही गाड़ी लगी, तो मेरे मामू को उस करोला वाले से बचाने के लिए जल्दी में लैंड क्रूजर में बिठाया और ले गए अपने घर। तो उधर मामू को चाय वगैरह पिलाने के बाद मामू को छोड़ दिया। और अभी मामू को टेंशन था कि वहाँ करोला वाला ना खड़ा हो, तो इसलिए जब करोला वाला इसलिए परेशान था कि जब वापसी जाऊँगा उधर जहाँ मामू का रिक्शा ठुका था, तो वहाँ उसकी ये टेंशन थी कि वो करोला वाला ना बहुत बेस करे। वो लैंड क्रूजर वाले तो भले आदमी थे, तो उन्होंने मामू को कुछ भी नहीं कहा। तो यार लैंड क्रूजर है, आपको पता है उसकी साइड बहुत घसट गई, तो आपको पता है 3-4 लाख से नीचे तो खर्चा ही नहीं है, 3-4 लाख तक के खर्चा। तो बस वो खैर हो गया, कोई मसला नहीं था। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया था, पता कहाँ से लगाए। ये मेरा एरोप्लेन खड़ा है, तो ये कहाँ से लगाए देखूँ तो, एक मिनट, यहाँ से। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ से लगाए सारा यहाँ तक। तो शायद ना कि जो वाइट कलर था लैंड क्रूज़र का, क्योंकि ये राइट साइड है लैंड क्रूज़र में लगी थी, वो यहाँ तक लगी। भाई साहब बड़ा नुकसान हुआ है लैंड क्रूज़र का भी लग रहा है। तो अभी बस ये साइड, ये भी बिल्कुल मामू का नया था, तो शायद ये वाली जो साइड है ना, तो ये वाली लगी है करोला में। तो ये वो जगह है जहाँ हमने पूरा मलबा डाला था, यहाँ बहुत काम किया था भाई साहब। इसी साथ में मैंने जोहेब को कॉल की थी, विराज कॉलोनी आए हुए थे, तो मैंने कहा जोहेब ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डर वगैरह देता होगा फुटपांडा में, आपको पता है। तो मैंने कहा चलते हैं जोहेब के साथ मिलते हैं। तो बस मैंने कॉल की है, जोहेब कह रहा है मैं 2 मिनट में बैक कॉल कर रहा हूँ, फिर वो जगह बताएगा, वो वहाँ पे मैं अपने एरोप्लेन पे जाऊँगा। तो बस I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. So guys, अभी हो रहे हैं 1:50, मतलब रात के 1:50
50 मिनट। आपने क्लिप्स वगैरह देखी और फिर जोए भी करीब 12:30 बजे आ गया था, तो आपने क्लिप्स वगैरह देखी। मैं भी बस घर वापस आते ही यूट्यूब चलाने लग गया, तो इसके साथ मैं व्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो हमें याद रखिएगा, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। We'll be right back.